हेलो, माय नेम इज़ दानिया ताहिर एंड माय थीम इज़ ओमोजा। ओमोजा बेसिकली एक विलेज है अफ्रीका का जहाँ पे कोई भी आदमी नहीं है, सारी औरतें हैं। रविका रोलोसोली ने 1990 में विलेज बिल्ड किया था उन सब के लिए जो होम वायलेंस, एसिड अटैक, रेप विक्टिम्स वाली होती हैं और उनको उनकी फैमिली अबंडन कर देती है, उन लोगों के लिए। मैंने अपनी थीम के अंदर उनकी इंस्पिरेशन ली है, जैसे उन्होंने सर्वाइव किया। हमारे यहाँ बेसिकली होम वायलेंस है, अब्यूज रिलेशनशिप्स हैं, ये इतने ज़्यादा डिसॉल्व हो चुके हैं कि हम लोग इवन उस चीज़ को आइडेंटिफाई भी नहीं करते कि हमारे आसपास, हमारी सराउंडिंग में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही होती, इवन हमारी फैमिली में हो रही होती है। और हमारा बेसिकली सबसे बड़ा जो मसला आता हुआ था फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी का, तो मैंने अपनी थीम के अंदर, अपने गारमेंट्स के अंदर उनका लाइफस्टाइल और उनका कल्चर दिखाया है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया फाइनेंशियली भी और अपने आप को इंडिपेंडेंट किया, उस तरीके से उन्होंने अपनी जो ट्रेडिशनल उनकी ज्वेलरी होती थी उससे उसको उन्होंने नेबरिंग विलेजर्स में और जो विजिटर्स उनके पास आते थे उनकी इस यूनिक चीज़ की वजह से कि उनके विलेज में कोई मैन नहीं है, सारे वुमेन्स हैं, और इस चीज़ से जो लोग उनके पास आते थे तो उनकी जो यूनिक ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है उसकी तरफ हमेशा से अट्रैक्शन रही है। तो उन्होंने अपनी जो यंग गर्ल्स होती थी जो वो उस विलेज में रहती थी उनको सिखाया कि किस तरीके से ये ज्वेलरी बनती है और उस तरीके उसको उस ज्वेलरी को विजिटर्स को सेल आउट करके, नेबरिंग विलेजेस में सेल आउट करके उन्होंने अपनी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग करी। तो ये जो उनकी जो पीसिंग्स होती हैं जो उनके लिप्स और एयर लूप्स में लगी होती हैं, ये मेरा पूरा गारमेंट उसके ऊपर है और ये मेरी कट लाइंस भी उसी के ऊपर हैं। फिर उनके जो मैंने अपनी उसके अपनी थीम के अंदर वो सिंबल्स और वो स्कल्पचर्स यूज़ किए हैं जो उनकी स्ट्रेंथ और उनकी पावर को शो करते हैं। रेड कलर बेसिकली मेरी थीम का मेजर कलर इसलिए रखा है क्योंकि रेड कलर इटसेल्फ शोज़ स्ट्रेंथ, पावर, लव, कॉन्फिडेंस, और साथ में मैंने इसके अंदर ब्लैक का ज़्यादा टच दिया है, वो इसलिए कि जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हैं, मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं और जब खुद को लीड करने लगते हैं और जब आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब एक एज अ वुमन जब आप स्ट्रांग हो जाते हैं और इस चीज़ से बिल्कुल डिनाई कर देते हैं कि हमें एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना जिसमें हमारी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही हो, हमें इक्वल राइट्स ना मिल रहे हों, तो हमें फिर बेसिकली हम दूसरों के लिए थ्रेट बन जाते हैं। तो ब्लैक कलर मेरी थीम में इसलिए ये चीज़ शो करता है।